दोस्तों, जितना भी अभी तक रिवीजन किया है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, तो आज से पहले क्लास है रिवीजन की, जिसमें हम लोग हरियाणा जी के सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन है, 27वें सरस्वती सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सितांशु यशस चंद्र। अगला है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली भारत की पहली महिला का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 133वां। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, पुर्तगाली। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य को माना जाता है। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी, तृतीय स्थान। भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, माइटोकांड्रिया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, जेनेवा। अगला है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो रिकेटस होता है। क्वेश्चन है, विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। किसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, प्लीहा को कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे या ऑब्लिक पीछे है? तो ऑप्शन ए, 5.5 घंटे आगे है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ये आया था 1946 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी, श्री बी एन राव। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए, दीन ए इलाही धर्म को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी, पावापुरी। संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल या कह सकते हैं अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी, कोलंबिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो ऑप्शन बी, संधारित्र। नागफनी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी, रूपांतरित पत्ती। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? ऑप्शन सी, वर्ष 1959। जीपीआरएस का पूरा रूप होगा? तो ऑप्शन सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटी उषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन है,
ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी, डेसीबल। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? तो ऑप्शन ए, नॉर्वे। भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्ची। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ ऑर्बिट में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को कहते हैं? तो ऑप्शन डी, अपसौर कहते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.03%। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, सीमा कहते हैं। असुमेलित तत्व को पहचानिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन V6। ये इसका जो केमिकल नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, ये होता है विटामिन सी का। अगला है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कटक, ओडिशा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, दूध। टिटनेस रोग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रिंटर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन डी, हार्डवेयर। क्वेश्चन है, कूस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो गाइस ये करवाया था अकबर ने। निम्न में से कौन सा सिर मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो ये हो जाएगा करहो। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु है? तो अर्ध उष्ण है। निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, पंचकुला में और मानेसर में। कुड़िंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? तो ऑप्शन डी, अंबाला। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो राजा नाहर सिंह। हरियाणा का नगर निगम वाला शहर है? तो फरीदाबाद। राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.34%। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो तमिलनाडु तट में। आम की बेमौसमी या कह सकते हैं ऑफ सीजन किस्म कौन सी है? तो निरंजन। भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन बी, 2:1। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? तो ऑप्शन बी, चीन। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? तो ऑप्शन बी, बृहद एकीकृत परिपथ। लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट होता है ऑप्शन बी, एक प्रकार का सर्किट। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, बार्म बूटिंग कहते हैं।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग काले स्थान में होती हैं, तो ऑप्शन डी सीपीयू। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को काले स्थान कहते हैं, तो ऑप्शन बी कर्सर कहते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन डी ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी, तो ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो हवा धीरे धीरे बह रही है, ये आपका क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। आग में घी ढालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है, प्रिय भय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, तो यहाँ दुख की बात हो रही है गाइस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करुण रस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।